गाइस वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स। तो अभी हम लोग जा रहे थे वाटरफॉल की तरफ एंड मीन वाइल हमारे को मनाली से कुछ ही दूरी पे दिखा ये वशिष्ठ टेंपल। तो ये काफ़ी पुराना वशिष्ठ टेंपल है और ये मान्यता है यहाँ पे कि यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग भी है, यहाँ पर गर्म पानी का एक स्रोत है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितना सुंदर बना है ये वशिष्ठ टेंपल। तो ये है यहाँ की एंट्री और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर यहाँ पे वुडन कार्विंग कर रखा है। गाइस यहाँ पे गर्म पानी के स्रोत है और यहाँ पे अलग अलग बातें से लेडीज़ के लिए यहाँ पर नहाने का है और वहीं आगे जेंट्स के लिए नहाने का है। दिस इज द टेंपल फ्रॉम इनसाइड। तो ये बिल्कुल मनाली के बीचों बीच ये टेंपल बनाया गया है। ये रहा मेन टेंपल, तो जस्ट इसके अंदर हम देखते हैं ये है वशिष्ठ ऋषि का टेंपल। आंटी जी यहाँ पे इस वशिष्ठ टेंपल के बारे में आप इसके महत्वता थोड़े हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? हाँ। ऐसे मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि ये वशिष्ठ जी की तपोस्थली है। हाँ जी। यहाँ पर ये राम भगवान के गुरु हैं, यहाँ देवी देवता भी स्नान करने आते हैं। ये तीर्थ स्थान है, यहाँ आस्था बड़ी है वशिष्ठ जी की, ये राम भगवान के गुरु हैं। अच्छा, और ये राम टेंपल यहाँ पे क्यों है? राम टेम्पल जहाँ गुरु होंगे तो वो राम जी तो बैठे ही होंगे साथ में। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे ये गर्म पानी का स्रोत आया कैसे? ये इनकी कृपा से, इनकी कृपा से उपकूल से हॉट वाटर यहाँ है। अच्छा, अधिकार से ये गर्म पानी। जैसे भी बताया कि यहीं पर ही वशिष्ठ ऋषि रहते थे और उन्होंने काफ़ी सालों तक यहाँ पे तपस्या की, तो इसकी हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है जो कि अभी मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा नहीं पढ़ूंगी बिकॉज मेरे को ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है यार। लेकिन इन शॉर्ट में तो हमने सुन ही लिया है, तो अभी चलते हैं हम हॉट वाटर की तरफ और रामा टेम्पल के अंदर। तो दोस्तों ये है रामा टेम्पल और कहते हैं जहाँ पर गुरु है वहाँ पर शिष्य होना तो लाजमी ही है। तो यही है रामा टेम्पल और माना जाता है कि राम भगवान अपने वनवास के दौरान भी यहाँ पर आए थे। तो ये वाला जो है ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन ये जो राम मंदिर है ये भी 5000 साल पुराना बना हुआ है और ये भी यहाँ के पुराने मंदिरों में से एक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी नक्काशियाँ की गई है वो भी बहुत पुराने एंशिएंट आर्किटेक्चर के तरीके से करी गई है और बाकी सारे वुड के जितने भी हैं वो सारे के सारे ये अभी के मॉडर्न स्टाइल में बनाए गए हैं। जो अश्वमेध यज्ञ हुआ उस टाइम इधर लक्ष्मण जी आए उनकी खोज में। हाँ जी, हाँ जी। और ये मंदिर जो है ये पांडवों द्वारा निर्मित है, पांडवों ने बनाया हुआ है ये वाला। और जो ये गर्म पानी है ये लक्ष्मण जी ने अग्नि बाण मार करके निकाला हुआ है गुरु जी के नहाने के लिए। तो ये लगभग 4000 वर्ष पुराना है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने ये यहाँ पे गर्म पानी का स्रोत निकाला था। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया जी। लेडीज के लिए गर्म पानी का स्रोत। गाइस ये ऐसा वैसे गर्म नहीं, बहुत ज्यादा गर्म है ये पानी, बहुत ही ज्यादा।
का तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हॉट था एंड वो बनाया था हॉट स्प्रिंग लक्ष्मण जी द्वारा और ये पूरा टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए थे पांडवों जी द्वारा। तो यहीं पर हमारे को कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले अपने, कुछ हमारे न्यू कनेक्ट हुए, तो लेट्स टॉक टू देम, उनसे बात करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं वशिष्ठ टेम्पल से और मेरे को मिले ये काफ़ी कूल गाइस जो कि बेसिकली मेरे को अटल टनल पर ही मिले थे एंड देन दे जस्ट चेज मी और आई चेज यू। हेलो, आई थिंक यू चेज। ओके, आई चेज देम। तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे मिल चुके हैं, तो इनसे रिव्यू पूछते हैं कि अभी तक का इनका अटल टनल और वशिष्ठ टेम्पल का कैसा रिव्यू। माउंटेन्स आर रियली ग्रैंड एंड वी वेंट देयर, वी वेंट पास द अटल टनल विच इज अ वेरी ग्रेट आर्किटेक्चर एंड एवरीबडी वॉज वेरी लाइक सपोर्टिव, द पुलिस पीपल वर देयर वेरी कोऑपरेटिव एंड एवरीथिंग एंड वंस वी रीच देयर वी प्लेड अराउंड द स्नो फॉर लाइक 1 to 2 hours, वी एंजॉयड दैट अ लॉट। आपका कैसा रहा? Excellent. We both reached the top actually. Uh-huh. After crossing Atal Tunnel, climbed the snow, we reached the top, we played a lot. They were coming like babies. Walking on all our four legs. Like, all our four great. So, couldn't stand up there. Great, great. And sir, aapka Vashish Temple ko leke? That's great. I think we didn't expect that Vashish Temple would be so good. I think it's pretty old. So guys, इनका अभी तक का व्यू तो काफी अमेजिंग था, इनके एक्सपीरियंस काफी अच्छे थे और आप बिलीव नहीं करेंगे अंदर का जो हॉट स्प्रिंग है वो कितना ज्यादा गर्म था, लाइक मैं तो बिल्कुल भी उसमें पैर भी नहीं डाल सकती सीरियसली। सो आई गेस आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये पूरा वशिष्ठ टेम्पल एंड अगर आपको अच्छा लगा डू लाइक शेयर, आप लोग भी लाइक शेयर करिएगा जरूर। चलिए ठीक है, ओके सो लेट्स एंड दिस व्लॉग। और हमारे व्लॉग का एक तरीका यार, हम एंड ना कल्चर बॉक्स बोल के बुलवाते हैं, ठीक है? सो लेट्स ए कल्चर ब्लॉग, 1 2 3 कल्चर बॉक्स।